हाँ भाई, तो कोई घर देखा तुम लोगों ने? देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। अब्बा मियाँ, पहली बात तो यह है कि हमें कोई मुनासिब घर नहीं मिला, और दूसरी बात यह है कि अब एक ही घर में रहने के हालात नहीं रहे। क्यों, हालात को क्या हुआ? अम्मा भी, वो कल राजदा की जो हालत थी वो आप सभी ने देखी। हाँ बेटा, बस राजदा को पता नहीं क्या है, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देती है। अब मियाँ, आप सब की तरह पहले मैं भी यही सोचता था कि हमें एक साथ ही रहना चाहिए, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। बमिया, शायद यही अच्छा होगा कि एक ही घर के बजाय हम सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलहदा हो जाए। ये क्या कह रहे हो शमीम तुम? बमिया, मेरा ख्याल है कि शमीम ठीक ही कह रहा है। शायद यही फैसला हम सबके लिए ठीक हो। तो फिर हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे? हम अभी सोचने की क्या बात है, आप और हम एक साथ रहेंगे। नहीं भाई, नहीं, घर छोड़ दिया है यही काफी है, शहर नहीं छोड़ सकता मैं। हम शमीम के साथ रह लेंगे इसी शहर में। तो बस आबिर भाई, ये एक यही मसला है। अब माली हालात तो आपके सामने है, साथ में हुसनारा की भी जिम्मेदारी है, और फिर बेटियों वाला हूं, उनका भी आना जाना रहता है, तो ऐसे में मेरा मतलब अब्बा मियाँ और अम्मा भी को। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन दोनों को हम साथ में ले जाएं? सॉरी शमीम भाई, हमारे लिए भी ये सब आसान नहीं होगा। बात चाहने या ना चाहने की नहीं है, अब्बा मियाँ ने साफ इनकार कर दिया था इस शहर को छोड़ के जाने के लिए। लेकिन भाई साहब, आप हमारी मजबूरी भी तो समझे, आप अच्छी तरह जानते हैं। साफ साफ बात यह है कि ना आप लोग दोनों को साथ में रख सकते हैं और ना ही हम, कोई बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। क्यों ना आप दोनों ऐसा कर लें कि कुछ दिन अब्बा मियाँ और अम्मा बी को हम रख लेते हैं और कुछ दिन आप लोग रख लें, इस तरह वो दोनों किसी पे बोझ नहीं होंगे। देखो बेटा, कुछ दिन या हमेशा की बात नहीं है, बात यह है कि हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। मेरी नज़र में तो इसका सिर्फ एक ही हल है, अब्बा मियाँ को आप लोग लेकर चले जाएं और अम्मा बी को हम ले जाएंगे। जरूर, इन्हें अपनी कोई बात मनवानी होगी। तुम्हें याद है बचपन में दोनों चुपचाप आके ऐसे ही खड़े हो जाते थे। और उस चुप के पीछे कोई बहुत बड़ी फरमाइश होती थी। अब बताओ क्या कहने आए हैं आप दोनों? अब्बा मियाँ, यही के कि हम दोनों आप दोनों को एक साथ रखने की सकत नहीं रखते। इसलिए हमने ये हल निकाला है कि आप मेरे साथ रह लें और अम्मा भी साबिर भाई के साथ इस्लामाबाद चली जाए। शमीम, बस खामोश, अब चुपचाप फौरन निकल जाओ यहां से। ठीक है अब्बा मियाँ, लेकिन बस कह रहा हूं ना मैं, जाओ यहां से। चुप क्यों है आप लोग, बताएं तो सही, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात हुई? अम्मा भी और अब्बा मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया, मैं उल्टा हमारी बात सुनकर हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। ये क्या बात हुई, आप दोनों कोई जवाब तो लेकर आते। तुम्हारा दिमाग खराब है? अब अम्मा बी से और अब्बा मियाँ से हम सवाल करेंगे, उसका जवाब मांगेंगे उनसे? और ये क्या काम है कि हमने उनसे इतनी बड़ी बात कह दी? मुझे तो ये मामला यही खत्म होता नजर आ रहा है। अब्बा मियाँ और अम्मा भी कभी अलग होने का नहीं सोच सकते। मुझे तो अब ये लगता है कि शायद हम सबको भी एक साथ ही रहना पड़े। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।